हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल मधु किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी मूली के पराठे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप मूली के पराठे मेरे तरीके से बनाकर देखें, आपके पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मूली। मूली को हम अच्छे से छील लेंगे, इसके ऊपर वाले लेयर को छिलनी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छील लिया है, ये देखिए। छीलने के बाद इसे हम धो लेंगे और उसके बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह मूली को आप पहले कद्दूकस कर लें, और जब सारी मूली इस तरह से कद्दूकस हो जाए तो हम इसके फिर पराठे बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये सारी मूली मैंने कद्दूकस कर ली है। अब हम इसमें एक कटोरी के लगभग आटा डालेंगे, और इसके साथ इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे। तो ये सबसे पहले इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन जो कि लगभग 1 चम्मच के बराबर होगा, इसे मैंने हाथों से मलकर डाला है। 2 हरी मिर्च कटी हुई, अदरक 1 इंच इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच हींग। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें हमने आटे में डाली है उन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिलाएंगे। और ये जो मूली के पराठे का आटा है इसमें अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो मूली हमने इसमें डाली है उसमें से पानी रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम उसी पानी से आटा गूंथ करके तैयार करेंगे, और यदि ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए आटा गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। और जब इस तरह से मूली के पराठों के लिए आटा गूंथ कर तैयार हो जाए तो इसे हम तुरंत ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से ये आटा गीला हो जाएगा और फिर हमें पराठे बनाने में परेशानी होगी। तो फ्रेंड्स, रोटी बनाने के लिए लोई तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ मैंने तैयार की है, और इतने आटे में ये इतनी लोई बन करके तैयार हो गई है। तो आइए अब चलते हैं, रोटी बेलते हैं। तो सबसे पहले एक लोई को मैंने सूखे आटे में इस तरह से लपेट लिया है। अब हम इसकी रोटी बेल करके तैयार कर लेते हैं। मूली का पराठा बेलते समय यह थोड़ा सा चिपकता है, तो इसे 2-3 बार आटे में रोल करें, या फिर आप इस पर घी भी लगा करके बेल सकते हैं। तो ये देखिए, ये रोटी बेल करके मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे तावे पर मैं डालूंगी। तो तावे पर मैंने थोड़ा सा पहले घी लगाया है और उसके बाद रोटी को मैंने डाल दिया। एक तरफ हल्का सिक जाने पर हम इसे पलट देंगे, और दोनों तरफ से सेकते हुए इस पर हम घी या ऑयल कुछ भी लगा करके इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी सेक लेंगे। जब पराठा दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी सिक जाए और मूली अंदर से पक जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये पराठा हमारा अच्छे से सिक करके तैयार हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बना है पराठा, ये देखिए। और इसी तरह से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।